Hi, welcome to Investology with Finity. My name is Megha and welcome to the next episode of Investology. अच्छा मुझे बताओ, म्यूचुअल फंड का नाम पहली बार कब सुना था? उस दिन जब आपके दोस्त ने आपको इसके बारे में बताया था, या एक साल पहले जो सास बहू वाले शो में एडवर्टीजमेंट आया था उससे? ओ मुझे याद है, रुक सुन। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सी, I know mutual funds. But yes, this is very important. Anyway, क्या तुम्हें पता है कि mutual funds India में पहली बार कब start हुए थे? ये पता है मुझे. 2010, right? अरे, बिल्कुल गलत. So, आज के episode में मैं आपको बताऊंगी कि mutual funds India में कैसे evolve हुए और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर का फ्यूचर कैसा रहेगा। 1963 में म्यूचुअल फंड्स इंडिया में अपना पहला कदम रख चुके थे और तब आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया इंडियाज फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और अगले 24 साल तक यूटीआई ही इकलौता ऐसा जरिया था जिससे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे। 1987 में पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स वर सेटअप और 1993 में जाकर प्राइवेट प्लेयर्स ने स्टार्ट किया एक नया एरा। कैन यू बिलीव दिस? इस साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपनी 58th एनिवर्सरी मना रही है। एन इंडस्ट्री व्हिच स्टार्टेड विद वन एएमसी मोनोपोली इन 1963 इज करंटली स्टैंडिंग टॉल विद 44 एएमसी। 50 साल लग गए 10 ट्रिलियन की एयूएम को क्रिएट करने में। ओ हेलो, मैं ना कोई चिट्टी नहीं हूँ कि जो तुम बोलो मैं समझ जाऊंगी। ये कौन बताएगा कि ये AUM है क्या? AUM का मतलब is Asset Under Management, which is the total market value of the investments जो कि कोई person या entity handle करती है investors के behalf पर। Mutual fund industry के AUM ने पिछले 5 साल में double का growth दिखाया है। जैसे कि June 30, 2016 को it was 13.81 trillion and on June 30, 2021 it was 33.67 trillion. Let us look at a few compelling numbers of the 33 trillion mutual fund industry. SIP, यानी कि systematic investment plan, जो कि mutual fund का सबसे popular product है। March 2021 में monthly SIP contribution के अंदर उसने 9000 करोड़ रुपए का mark cross किया है और साथ ही with this SIP, asset under management exceeded rupees 4 lakh crore for the first time in the fourth quarter of financial year 21. Many investors are achieving their short-term and long-term goal through SIP. Investors अपने हर goal के लिए एक SIP start कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। एक SIP vacation के लिए, एक SIP tax saving के लिए और एक retirement planning के लिए। ओह, शिल्पा उस दिन इसी के बारे में बोल रही थी। मुझे लगता है अब SIP शुरू करना ही पड़ेगा। और बताओ, मुझे लगा था कि ये कोई चाय का नाम है। सिप। मुझे आईफोन लेना है, नया वाला, तो क्या मैं भी SIP शुरू कर सकती हूँ? क्यों नहीं, पर पहले ये डिसाइड करो कि कब लेना है, कितने पैसे लगेंगे और उसके हिसाब से SIP शुरू कर दो। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे हिसाब से कौन सी स्टेट्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं? अरे यार, अब केरला के लोग तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो शायद वही होगा। बहुत आसान है, केरला। इन AAUM contribution, आउट ऑफ 100%, महाराष्ट्र होल्ड्स द लायंस शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज 44%। उसके बाद आता है न्यू दिल्ली 8.4%, कर्नाटका 7% एंड गुजरात 6.8%, वेस्ट बंगाल 5.2% और बाकी जो बचा है उसमें बाकी स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। पर तुम्हें क्या लगता है इसका क्या रीजन हो सकता है? इसको तो नहीं पता है, बट यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डू यू नो, दिस 33 ट्रिलियन इज हेल्पिंग द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया इन मेनी वेज। 33.67 लाख करोड़, जी हाँ, दैट मच मनी म्यूचुअल फंड्स हैव मोबिलाइज्ड ब्रिंगिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन करोड्स ऑफ फैमिलीज। इस तरह एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने न सिर्फ इन्वेस्टर्स की हेल्प की पर ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स में भी पैसे को मोबिलाइज किया, इंडिविजुअल से और कई इंस्टीट्यूशन से। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज खुद अब की इन्वेस्टर्स बन चुकी है बॉन्ड्स मार्केट में, जिससे एक बहुत जरूरी स्टेबिलिटी आ गई है कैपिटल मार्केट्स में। एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री ने छोटे शहरों में फाइनेंशियल सेविंग्स में ग्रोथ को अपना सपोर्ट दिया है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि लोग आखिरकार समझ गए हैं कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा सिर्फ
घट रहा है और अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो म्यूचुअल फंड्स आर द सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। पर तुम्हें लगता है कि इससे मेरे देश की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड कंपनीज ने सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की नहीं इकोनॉमी की भी हेल्प की है। An analysis of the top 1000 companies listed on the BSE revealed that mutual fund hold more than 5% stake in more than 50% of the large, mid and small companies. In addition to being a source of long-term debt, mutual funds have also helped corporates earn on their idle cash through investments in liquid funds. June 2021 mein, asset under management of corporates in liquid funds stood at ₹4,71,831 crore. क्या आपको पता है इंडियन मार्केट्स अब फॉरेन इन्फ्लो पर उतनी निर्भर नहीं है जितनी की पहले थी, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से वल्नरेबल थी। ऑल थैंक्स टू द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड इनफ्लोज हैव बीन एबल टू काउंटर पोटेंशियली एक्सट्रीम वोलेटिलिटी बाय एक्टिंग एज अ मेजर सोर्स ऑफ इनफ्लो इवन व्हेन फॉरेन फ्लोज हैव डिक्लाइंड। तुम्हें क्या लगता है ये ग्रोथ की वजह क्या है? मुझे पता है, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स। हाँ, पर सिर्फ एड्स ही नहीं है, म्यूचुअल फंड्स का इंडिया में ग्रोथ कोई लक बाय चांस नहीं था, पर कॉन्टिन्यूस एफर्ट से ये हुआ है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के साथ कई बदलाव किए। कितने ही तरह के प्रोडक्ट्स, स्कीम्स जैसे कि SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और भी बहुत कुछ। कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स ने इन इनोवेशंस को सपोर्ट किया, तब जाकर इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है म्यूचुअल फंड्स ने। ये म्यूचुअल फंड्स की पॉपुलैरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स में इसलिए भी है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होते हैं और म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन को बीट करने की एबिलिटी भी रखते हैं। म्यूचुअल फंड सही है जैसे कैंपेन की पॉपुलैरिटी की वजह से हर साल 50 लाख नए कस्टमर्स जुड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ। साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का कॉन्सेंट्रेशन टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने में लग रहा है, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो रहा है। डिड यू नो म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्रीज, जो इन्वेस्टर को डेटा दे देता है, वो भी इन्वेस्टमेंट से पहले। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द रेगुलेटर ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विच इज SEBI, जो कि इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को पुख्ता कर देता है। SEBI, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, was established on April 12, 1992, which is a statutory regulated body that controls and regulates the Indian capital and securities market. ये इसलिए भी हुआ क्योंकि बहुत सारी fintech companies ने अपना कदम market में रखा, जिससे investing हो गई आसान और बन गए एक perfect aggregator, जो easy user interface और well-designed platform लाए investors के लिए. This led to smooth user experience, further promoting the investments in mutual funds. अब जब 44 AMCs हैं, तो ये aggregator इन सब AMCs की schemes को, products को compare करने में भी investors की पूरी मदद करते हैं। FinTech platforms पर आप funds को compare कर सकते हैं और अपने financial goal के हिसाब से scheme choose कर सकते हैं। पर ये mutual fund industry का future कैसा है? क्या ये इतना grow करेगा या अभी इससे और grow होना बाकी है? Finally, you ask my favorite question. A recent report states that asset under management held by the mutual fund industry is just 12% of India's GDP, whereas the global average is 63%. Baki developing nations jaise Brazil 68% of GDP and South Africa 48% of GDP mein mutual fund investors ka proportion zyada hai. India mein mutual fund industry abhi apne growing phase mein hai. असली ग्रोथ तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। नाउ यू हैव टू टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू थिंक इज द परसेंटेज ऑफ US पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स? एनी गेसेस? 5%? व्हाट? 5%? नो, 10%? नॉट इवन क्लोज। आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ US इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड मैक्सिमम ऑफ इट इज इनडायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड्स। नाउ टेल मी what this number is when it comes to India. अब जब इतना investment हो ही रहा है तो it must be around 30-40% at least. Oh come on, no, it is not 30%. You are not even close to the actual percentage. अब तुम शायद यकीन ना करो, but सिर्फ 3.7% of Indian population participates in stock markets directly or indirectly. Oh, मुझे पता था 3.7% ही होगा।
ओह रियली? और ये तुम्हें कैसे लगा? आई एम क्यूरियस कि ये कौन सा सर्वे? वही थ्री इडियट्स वाला। अब्बा नहीं मानेंगे। सो ट्रू, बट ऑन अ सीरियस नोट, इंडियन कैपिटल मार्केट को अभी लंबा रास्ता तय करना है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस इंडस्ट्री का, एज इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड कंसिस्टेंटली ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। टेल मी वन थिंग, एम आई टू लेट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग? मतलब मैंने कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया और तो मेरे 6 सफेद बाल भी आ गए हैं। अब इन दिस केस एक अच्छा हेयर कलर तुम्हारी मदद करेगा। एंड कमिंग बैक टू म्यूचुअल फंड्स, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इज ऑलवेज नाउ। आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। इवेंचुअली द 3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग इन म्यूचुअल फंड ग्रोथ स्टोरी विल मूव टूवर्ड्स डबल डिजिट। नए इन्वेस्टर्स और नए इन्वेस्टमेंट्स के साथ जल्दी ही ये इंडस्ट्री 100 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। द लास्ट 5 to 10 years हैव सीन अ शार्प ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स विदाउट एनी असिस्टेंट फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जिसे डायरेक्ट चैनल भी कहा जाता है, सॉ द शार्पेस्ट ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 years, ऑल थैंक्स टू मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स अक्रॉस मेनी चैनल्स एंड विलिंगनेस टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। The share of direct channel grew from 23% in financial year 2013 to 42% in financial year 2019. Ek recent study kehti hai ki 70% of millennials jinki monthly income 50,000 se kam hai, wo already online shopping karte hain. And this shopping includes all kinds of things from clothing to grocery to eatery and now online shopping of financial products as well. India will have 350 million individuals over the age of 50 years by 2030 jo aaj online shopping kar rahe hain. Aur jaisa ki hum jante hain, India mein social security to hai nahi, isliye hum khud hi apne recent goals jaise ki travel ya ghar par retirement tak ki planning khud hi kar lete hain. And now imagine all of these millennials today investing for their retirement online. Opportunity for mutual fund in India is huge and so is the opportunity to participate in the growth story. Jaisa ki aapko pata hai ki hame online shopping bahut pasand hai aur ye number badhta hi ja raha hai. Fintech and AMCs ne bahut mehnat se customers ko onboard lane ka process jo ki bahut mushkil tha pehle, ab aasan kar diya hai. Mutual funds ek one stop solution ban ke ubhar raha hai aur chahe wo hamare financial discipline ho, वेल्थ ग्रोथ हो, टैक्स सेविंग हो, वेकेशन प्लानिंग हो या कोई और फाइनेंशियल गोल, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ने बहुत लोगों को बेनिफिट दिया है। आई फील एवरीवन शुड प्लान टू पे आवर फ्यूचर सेल्फ अलोंग विद आवर प्रेजेंट। डोंट डिले फर्दर इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, कम टैग अलोंग। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं बस इन स्टेप्स को फॉलो करके। डाउनलोड द फिनिटी ऐप एंड फिल इन योर डिटेल्स। प्लान योर फाइनेंशियल गोल्स विद फिनिटी एंड स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी इन वेरी सिंपल स्टेप्स। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। विल इट रियली रीच द 100 ट्रिलियन मार्क इन फ्यूचर? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।